समाजवादी समागम के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के तत्वाधान में महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर टाउनहॉल स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया, जिसके संबंध में समाजवादी समागम के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर तथा उनके 74वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर आजादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों से मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि अहिंसा द्वारा किसी भी व्यक्ति को जीता जा सकता है। यह एक ऐसा हथियार होता है जिससे विश्व शांति स्थापित की जा सकती है और यही महात्मा गांधी का सबसे बड़ा शस्त्र था तथा अहिंसा के माध्यम से शांति और अहिंसा की स्थापना का संदेश देने वाला वह अंग्रेजों को भारत से निकलने को मजबूर करने वाला स्वयं अहिष्णुता व हिंसा का शिकार हो गया तथा महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमसे बिछड़ गए। इससे 30 जनवरी को पूरा देश उनके 74वें पुण्यतिथि पर शत शत नमन करता है। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मुमताज खान, अनिल कुमार सिन्हा, नगीना लाल प्रजापति, शिवम श्रीवास्तव, राजेश सिंह, रविंद्र श्रीवास्तव, ईश्वर चंद्र प्रताप नारायण सिंह सोलंकी, अजय शंकर श्रीवास्तव, गौतम लाल, धर्मेंद्र श्रीवास्तव तथा अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी समागम के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा, मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत बचाओ संविधान बचाओ अभियान। यह कार्यक्रम समाजवादी समागम के अंतर्गत किया जा रहा है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर, उनकी 74वीं पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ टाउन हॉल स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हुए हैं। आज राष्ट्रपिता के आदर्शों के पीछे चलने की ज़रूरत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने असहिष्णुता और अहिंसा का जीवन भर पालन किया और ऐसे राष्ट्रपिता को असहिष्णुता और हिंसा का शिकार होना पड़ा। पूरे देशवासी इससे बहुत ही शोक संतप्त हैं कि हमारे राष्ट्रपिता हिंसा के शिकार हुए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को एक, जो कहा जा सकता है कि मंदबुद्धि या पागल व्यक्ति ने असहिष्णुता का शिकार होकर के और दूसरों के बहकावे में आकर के उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। इस प्रकार हमारे प्यारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमसे बिछुड़ गए। आज देश उनके 74वें पुण्यतिथि पर उनको सत सत नमन और कोटि प्रणाम करता है।